भागलपुर नौगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात। सोनाम मैरिज गार्डन, आप उत्सव मनाए, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोनाम मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 7979-499-821। नवगछियान नगरा की बेटी स्मृति सिंह बनी एबीवीपी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। बिहार के मुजफ्फरपुर में चल रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 61वें प्रदेश अधिवेशन में नई कार्यकारिणी की घोषणा हुई, जिसमें स्मृति सिंह को नवगछिया प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। स्मृति वर्तमान में मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय नवगछिया में बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा है। स्मृति ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही एक ऐसा छात्र संगठन है जो छात्र हित एवं राष्ट्र हित में निस्वार्थ भाव से काम करता है, छात्र छात्राओं का व्यक्तित्व निर्माण करता है और सदैव छात्रा को भी नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करता है। इसके पूर्व मैंने मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय के कॉलेज अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और जो संगठन ने मुझे नई जिम्मेदारी दी है उसे पूरे मन से निभाऊंगी और संगठन के विश्वास पर खरी उतरने का पूर्ण प्रयास करूंगी। वहीं मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य संजय झा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गोपाल झा, हैप्पी आनंद भारद्वाज, आकांक्षा चौधरी, अंजलि भारती, अर्चना कुमारी, कोमल राज, निशा, भाजयुमो जिला अध्यक्ष अजय सिंह कुशवाहा सहित कई अन्य बधाई दी है। बताते चलें कि स्मृति मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में अपना योगदान देती है, जिसके चलते हमेशा प्रशंसा करते कॉलेज के कर्मी नहीं थकते। नमस्कार, वंदे मातरम। सभागार में उपस्थित सभी देश प्रेमियों को मैं स्मृति सिंह क्रांतिकारी सलाम करती हूँ, भगवा प्रणाम पेश करती हूँ और विद्यार्थी परिषद के 61वें प्रांतीय अधिवेशन में इस बड़े मंच पर मुझे बोलने का अवसर, मेरी अभिव्यक्ति प्रदर्शन। नवगछिया टोल प्लाजा लूट कांड, आसपास के अपराधियों ने ही दिया है लूट की घटना को अंजाम। प्राथमिकी दर्ज कर अपराधी की पहचान में जुटी नवगछिया पुलिस। नवगछिया थाना क्षेत्र के मददपुर के पास स्थित NH 31 पर स्थित टोल प्लाजा पर अपराधियों द्वारा 1,30,000 कैश लूट और गोली फायरिंग करने के मामले में नवगछिया थाने में रणछोर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मी रवि कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 3 अज्ञात अपराधी के द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। लूट की घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर नवगछिया पुलिस छानबीन में जुट गई है। लूट की घटना के संदर्भ में बात सामने आ रही है कि लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले सभी अपराधी आसपास के ही हैं। वहीं नवगछिया पुलिस सीसीटीवी में कैद हुए फोटो को लेकर पुलिस अपराधियों की पहचान में जुट गई है। नवगछिया थाना अध्यक्ष राजकपूर कुशवाहा ने बताया कि लूट की घटना के संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस पदाधिकारियों द्वारा अपराधियों की पहचान करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। लूट की घटना में शामिल अपराधियों को पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर मामले का उद्भेदन करेगी। मालूम हो कि शुक्रवार की देर रात टोल प्लाजा पर 3 की संख्या में आए नकाबपोश अपराधियों ने गोली फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए टोल प्लाजा के 6 नंबर बूथ के कैश से भरे बक्से को लेकर फरार हो गया था। We'll be right back.
नवगछिया। 49 करोड़ की लागत से बनने वाला रोड ओवर ब्रिज 6 वर्ष में भी नहीं हो पाया निर्माण। केंद्र सरकार के मद से हो गया काम, बिहार सरकार के द्वारा DPR भी नहीं हुआ तैयार। नवगछिया रेलवे स्टेशन के पूर्वी केबिन पर बन रहे रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू होने के 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। स्थानीय प्रशासन व जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य अधर में है। रोड ओवर ब्रिज का महज 4 पाया ही कुछ वर्षों में किए गए कार्य के बाद तैयार किया जा सका है। मालूम हो कि उक्त रोड ओवर ब्रिज का निर्माण 49 करोड़ की लागत से किया जाना है, जिसमें 7 करोड़ का कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जाना था। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2013 में ही 7 करोड़ का टेंडर निकाला गया। उसके बाद रेलवे के माध्यम से वर्ष 2014 में निर्माण कार्य को शुरू कर पूरा कर लिया गया। रोड ओवर ब्रिज का शेष पाया और पहुंच पथ का निर्माण कार्य बिहार सरकार के पुल निगम विभाग के द्वारा किया जाना था। इस निर्माण में पुल निगम द्वारा 42 करोड़ की लागत से निर्माण होना था। इसको लेकर वर्ष 2013 में DPR भी बनाए गए थे, लेकिन जिस समय DPR बनाया गया था उस समय रेलखंड का विद्युतीकरण नहीं हुआ था। रेलखंड के विद्युतीकरण होने के बाद पुल निगम द्वारा पुनः इसका दूसरा DPR बनाया जाना था, लेकिन रेलखंड के विद्युतीकरण होने के 2 वर्ष बाद भी अब तक रोड ओवर ब्रिज का DPR भी तैयार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में रोड ओवर ब्रिज निर्माण कार्य वर्ष 2020 तक भी पूरे होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। मालूम हो कि नवगछिया शहर जाने वाली यह मुख्य सड़क है, जिसके कारण आए दिन संपार फाटक पर जाम लगी रहती है। जाम के कारण आए दिन ट्रेन आने की सूचना के बाद भी संपार बंद नहीं होता है। इस स्थिति में अफरा तफरी मचती है और ट्रेन को आउटर पर रुकना पड़ता है। जाम के कारण कभी कभी खुले केबिन से ही ट्रेन को धीरे धीरे गुजरना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उक्त संपार फाटक पर किसी भी दिन बड़ा रेल हादसा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा नवगछिया अनुमंडल अस्पताल, टाउन थाना, स्कूल आदि भी इसी पर है। संपार पर जाम रहने के कारण मरीजों का एम्बुलेंस, स्कूली बच्चों की गाड़ी, पुलिस एवं आवश्यक सेवा के वाहन आए दिन जाम में फंसती है। भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद मंडल ने कहा कि रोड ओवर ब्रिज के निर्माण को लेकर बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर यादव से मिलकर पूरी जानकारी दी गई है। इस संदर्भ में उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। मंत्री ने जनवरी माह में DPR तैयार कर टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर कार्य को जल्द आरंभ कराने का आश्वासन दिया है। नवगछिया, अनुज फिर बने प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नवगछिया इकाई के कर्मठ कार्यकर्ता अनुज चौरसिया को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार प्रदेश के द्वारा पुनः चौथी बार प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। उन्हें चौथी बार प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाए जाने पर नवगछिया के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गौरव कुमार, सुजीत सिंह चौहान, पंकज कुमार, सौरभ कुमार पुद्दार, राहुल शर्मा, गौरव कुमार सहित कई ने शुभकामनाएं दी है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनु चौरसिया ने बताया कि संगठन के प्रति 100% उतरने का प्रयास करूंगा। बाल भारती विद्यालय गौशाला रोड में सज रहा श्याम बाबा का भव्य दरबार। नए साल के आगमन पर श्याम के भजनों पर गूंजेगा नवगछिया शहर। समाज की 108 महिलाओं के द्वारा लगाया जाएगा श्याम बाबा को 56 भोग। नए साल पर श्याम मैं होगा नवगछिया शहर। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नए साल के आगमन पर श्री श्याम महोत्सव 1 जनवरी 2020 बुधवार एवं 2 जनवरी 2020 गुरुवार को बाल भारती स्कूल गौशाला रोड नवगछिया में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें बाहर से आए हुए कलाकार कोलकाता के संजू शर्मा, मुंबई के मनोज मिश्रा, जयपुर के सौरभ शर्मा, कोलकाता के राजपारी, कटिहार के अभिषेक दीक्षित, खगड़िया के शिव तुलसियान, सहरसा के रवि शर्मा एवं कोलकाता के एंजल डांस ग्रुप एवं बबलू म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा भजनों की गंगा बहेगी। बताते चलें कि 1 जनवरी 2020 दिन बुधवार को दिन में 11 बजे से जोत प्रारंभ होगी, जिसके बाद 1 बजे से डांडिया महाराज के साथ 56 भोग लगेगा। बताते चलें कि महोत्सव का प्रोग्राम हर साल 31 दिसंबर एवं 1 जनवरी को किया जाता था, लेकिन इस बार यह कार्यक्रम 1 जनवरी एवं 2 जनवरी को किया जा रहा है। इस महोत्सव में भाग लेने के लिए भारी संख्या में बिहार से बाहर के श्याम भक्त भी शामिल हो रहे हैं, जिसकी तैयारी बड़े जोर शोर से बाल भारती विद्यालय गौशाला रोड में हो रही है। आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया, कक्षा नर्सरी से अष्टम तक पास की सुविधा के साथ नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह, हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437। 9934264437। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें। आवासीय विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया।
नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया कक्षा नर्सरी से दसवीं तक। हमारी विशेषताएं स्मार्ट क्लास, CCTV परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ। हमारा पता है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 88093-0443-33 73-68-91-47-33। IAS IPS फाउंडेशन क्लासेस अब कक्षा 6-7 से ही UPSC की तैयारी शुरू। एक बार जरूर पधारे प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल। अब वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नौगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नौगछिया। मोबाइल नंबर 9065282725। नौगछिया के अनुमंडलीय अस्पताल में 5 जनवरी को लगेगा शिविर। नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में दिव्यांग जनों को दिव्यांग प्रमाणीकरण एवं सहायक उपकरण निर्धारण के लिए लाभुकों के लिए शिविर का आयोजन 5 जनवरी को किया जाएगा। शिविर में विशेष चिकित्सक के द्वारा आंखों की जांच, पैर हाथ से विकलांग मरीजों का जांच किया जाएगा और दिव्यांग जनों को मौके पर ही दिव्यांग प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। नौगछिया अनुमंडल अस्पताल के शिविर में डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा, डॉक्टर वरुण कुमार, डॉक्टर दिनेश दयाल, नेत्र सहायक मोहम्मद कर्मी मुर रहमान सहित कई अन्य के देखरेख में शिविर लगेगा। नवगछिया के बाबा विश्व राउत पुल पहुंच पथ के पास सड़क दुर्घटना में 2 घायल। नवगछिया अनुमंडल के कदवा ओपी थाना क्षेत्र के विश्व बाबा राउत पुल पहुंच पथ के मिलन चौक के पास रविवार की देर रात हुई सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंची कदवा पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भर्ती कराया। घायलों में एक युवक कदवा बोरवा टोला निवासी विजय राय के पुत्र अभिमन्यु कुमार हैं, जबकि दूसरा युवक भी वहीं के होने की बात बताई जा रही है। नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में दोनों का प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया गया है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए बिहार विद्यालय टीम में नौगछिया के 8 खिलाड़ी 28 से 10 जनवरी तक प्रशिक्षण पटना में। 13 से 16 जनवरी तक नारायणपुरम आंध्र प्रदेश में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय बालक बालिका बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए भागलपुर जिले से नौगछिया बॉल बैडमिंटन संघ के 8 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसका चयन कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के वार्षिक खेल कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय विद्यालय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता बालक बालिका का आयोजन बीते माह अररिया में बिहार विद्यालय टीम का चयन प्रतियोगिता के आधार पर हुआ। इस बात की जानकारी भागलपुर जिला खेल पदाधिकारी प्रमोद कुमार यादव के हवाले से राज्य प्रवक्ता सर नौगछिया बॉल बैडमिंटन संघ के जिला सचिव ज्ञानदेव कुमार ने दी। गोपालपुर, जदयू के बूथ स्तर के कार्यकर्ता होंगे प्रशिक्षित। गोपालपुर विधानसभा के विधायक सह सत्तारूढ़ दल के सचेतक नरेंद्र कुमार नीरज गोपाल मंडल ने नवगछिया के 3 पंचायतों का निरीक्षण किया। उन्होंने 4 जनवरी को होने वाले गोपालपुर विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए बूथ अध्यक्ष और बूथ सचिव का परिचय पत्र वितरण किया। विधायक ने कहा कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता ही संगठन की रीढ़ होते हैं। हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी अब सक्षम और प्रशिक्षित होंगे। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वहीं मौके पर जदयू जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह, गोपालपुर विधानसभा प्रभारी सुबोध चौहान, मुन्ना जायसवाल सहित कई अन्य मौजूद थे। गोपालपुर में स्पर निर्माण के 5 वर्षों बाद भी 50 से अधिक किसान मुआवजा के लिए हो रहे परेशान। गोपालपुर के इस्माइलपुर बिंदटोली तटबंध पर बनाए गए एडिशनल स्पर एवं रिवेटमेंट कार्य 5 वर्ष पूर्व होने के बावजूद 50 से अधिक किसान बाढ़ नियंत्रण कार्यालय नौगछिया व विशेष भू अर्जन पदाधिकारी के चक्कर लगा रहे हैं, परंतु इसके बावजूद किसानों को मुआवजा अब तक नहीं मिल पाया है। मिली जानकारी अनुसार सैदपुर गांव थाना नंबर 11 एवं बोचाही डिमहा थाना संख्या 26 के कुल 8.27 एकड़ जमीन किसानों द्वारा आपसी सहमति से कटाव निरोधक कार्य हेतु जल संसाधन विभाग को उपलब्ध कराया गया था, तथा एडिशनल स्पर एवं रिवेटमेंट कार्य पूरा भी हो गया। जल संसाधन विभाग द्वारा पत्रांक 1533 दिनांक 14/11/2014 के द्वारा अधियाचना प्रस्ताव विशेष भू अर्जन पदाधिकारी भागलपुर को भेजा गया। उक्त प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण बता हाथों हाथ लौटा दिया गया था। पुनः बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल नौगछिया के द्वारा स्थल चयन समिति की बैठक स्थल से सटे भूधारी एवं संबंधित पदाधिकारी के बीच भू अर्जन मुआवजे की मांग की गई, परंतु नौगछिया बाढ़ नियंत्रण कार्यालय व विशेष भू अर्जन कार्यालय की नूरा कुश्ती के कारण किसानों को अब तक मुआवजा राशि नहीं
मिला है। वहीं मौके पर किसान बैकंठ कुंवर, पंकज कुमार, चंदन कुमार, दयानंद कुमार, प्रभाकर कुमार, नित्यानंद सिंह सहित ने कहा कि अब लाचार होकर हम लोगों को सड़क पर उतरना होगा। नारायणपुर में हत्यारोपित महिला गिरफ्तार। भवानीपुर थाना क्षेत्र के बिरवन्ना निवासी हत्यारोपित महिला मिल्टन कुंवर की पत्नी आरती देवी को भवानीपुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर शनिवार की रात गिरफ्तार कर रविवार को न्यायिक हिरासत में नवगछिया जेल भेज दिया। उक्त जानकारी थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने देते हुए बताया कि गिरफ्तार महिला हॉकर के साथ मारपीट के बाद हत्या मामले में आरोपी थी। नारायणपुर बायपास सड़क के लिए अधिग्रहण होगी जमीन। नारायणपुर प्रखंड के मथुरापुर बाजार में जाम की लगातार समस्या व अगवानी में पुल चालू होने पर आवागमन का मुख्य मार्ग होने के कारण नारायणपुर सीओ रामजपी पासवान व थानाध्यक्ष नीरज कुमार के नेतृत्व में पश्चिमी संपार से होकर स्टेट ट्यूबवेल नाला होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के नारायणपुर चौक एवं भगवान पेट्रोल पंप के बीच जोड़ने के लिए बाईपास सड़क निर्माण के लिए निरीक्षण किया गया, जिसमें अमीन द्वारा मापी के बाद जमीन अधिग्रहण किए जाने की बात कही। वहीं प्रमुख प्रतिनिधि मंटू यादव ने बताया कि बाईपास सड़क निर्माण होने से मथुरापुर बाजार में जाम से निजात मिलेगी।